नमस्कार, मैं हूं काली प्रसाद। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगले ही पल आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपको इसका पता नहीं, मुझको भी इसका पता नहीं। एक सच्ची घटना बताना चाहूंगा, ये कोई कहानी नहीं है, सच्ची घटना है। किसी का नाम लेना मैं नहीं चाहूंगा, पर यह सच्ची घटना बताना जरूर चाहूंगा। एक आदमी था जिसके पास पैसों की ढेर लगा था, करोड़ों रुपये कमाता था, लोगों को परेशान करके कमाता था, लोगों को तड़पा तड़पा के कमाता था, पर अच्छे से ज़िंदगी उसकी चल रही थी, बीवी बच्चों के साथ, बच्चे उस समय नहीं थे बीवी के साथ। लोग हमेशा सोचते थे कि इसके साथ कुछ होता नहीं है, ये इतना बुरा काम कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, तड़पा तड़पा कर पैसे कमा रहा है, पर इसके साथ कुछ होता नहीं। एक बेटा उसका पैदा हुआ, और भी खुशी आ गई घर में, और कुछ साल के बाद और एक बेटा, इस तरह से तीन बेटे उसके पैदे हुए। इतने पैसा, फिर तीन बेटे, तो उसकी तो खुशी की सीमा ही नहीं रही। लोगों में हलचल मच गई, ये बेकार के आदमी, ये लोगों को तड़पाता है, इसके साथ इसे अच्छे हो रहे हैं, ऐसे ही चलते रहे। वो खुशी से, गर्व से, अहम से, ईगो से फूलता गया, भरता गया। वो आदमी किसी को माना नहीं, किसी को जाना नहीं, सबके ऊपर और अत्याचार बढ़ाते गया, सबके ऊपर जुल्म और बढ़ाता गया, और पैसे कमाता गया। एक दिन की बात थी, अच्छे से सुनिएगा, वो बाहर गया था। उसकी जो बीवी थी, वो एक छोटा बच्चा था 3 साल का, और 2 बच्चे 7 और 8 साल के थे। 3 बच्चे थे उसके, 3 लड़के। जो 3 साल का लड़का था उसको नहा रहा था एक पानी की टॉब में डुबाकर नहला रहा था, और छत के ऊपर दोनों बच्चे, 7-8 साल के दोनों बच्चे, 3 मंजिल या 2 मंजिल का उसका छत था, उसके ऊपर खेल रहे थे फुटबॉल से। अचानक से ये हुआ कि वो फुटबॉल गिर पड़ा, और वो फुटबॉल को छत से पकड़ने के लिए एक बच्चा गया, और वो बच्चा गिर पड़ा। भाई गिर रहा है देखकर दूसरे बच्चे ने उसके पकड़ने की कोशिश की, पर वो कैसे पकड़ सकता है, क्योंकि दोनों तो एक ही वजन के थे, एक ही एज के थे, तो वो भी गिर पड़ा। तो दोनों बच्चे फुटबॉल के सहित छत से नीचे गिरे और मर गए। लोग इकट्ठे हो गए, लोगों की पुकार सुनकर माँ को अचानक मन में आई कि दोनों बेटे ऊपर खेल रहे थे, क्या हो गया क्या। माँ दौड़कर चली गई, और वो छोटा बच्चा यहीं पर रह गया, पानी में डूब के मर गया। 3 के 3 लड़के एक ही पल में खो गए, मर गए। 3 के 3 बच्चे अपने आंखों के सामने एक ही पल में मरते देखते वो माँ पागल हो गई। जाहिर सी बात है, कोई भी माँ पागल हो जाएगी। अब आप मुझे ये बताइए, वो आदमी उन पैसों का, उन महलों का, उन गाड़ियों का क्या करेगा। 3 के 3 बच्चे मर गए, माँ उसकी बीवी पागल हो गई। ये कहने के पीछे का उद्देश्य, इंटेंशन हमारा ये नहीं है कि आपको दुख पहुंचाना। हम ये कहना चाहते हैं कि ये उसके साथ नहीं, आपके साथ भी दूसरे ही पल हो सकता है। दिस कैन हैपन विथ यू इन द नेक्स्ट मोमेंट, दिस कैन हैपन विथ मी आल्सो इन द नेक्स्ट मोमेंट। वी हैव नो नॉलेज और इंफॉर्मेशन अबाउट द नेक्स्ट मोमेंट। क्यों, अगर आप इसी के प्रति जागृत हो जाए कि मेरे साथ भी ये दूसरे पल हो सकता है, दूसरे पल नहीं, मौत तो आना ही आना है, मौत के प्रति आपका, आपके अंदर धारणा है कि मैं मरूंगा, पर आप उसके प्रति जागृत नहीं, बी अवेयर ऑफ दिस थिंग, बी कॉन्शियस अबाउट दिस थिंग। अगर आपके अंदर ये जहन में बैठ गया कि मुझे भी मरना है, मेरे पास भी ये घटना घट सकती है, तो आपको पता चल जाएगा कि पूर्व पीढ़ी से लेकर आपके दूसरे पीढ़ी तक के बीच का जो 60-70 साल का समय है, वही आपके पास है। तो आपके पास किसी के साथ झगड़ा करने के लिए, गाली गलौज करने के लिए, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब के लिए समय ही कहाँ है। आप जिंदगी को इस तरह से, हर पल को इस तरह से कूट कूट के मजे ले लेकर, क्योंकि इतनी ही जिंदगी आपके पास है, आपके साथ भी ये घट सकता है, कूट कूट के, भर भर के मजा ले लेकर इस तरह से जिएंगे, और जीना भी चाहिए, ताकि जब आपकी अंतिम श्वास चल रही हो तो अंदर से स्वतः आवाज आए, अपने आप आवाज आए
कि जाने दो कोई बात नहीं, मरने में कोई दुख नहीं, क्योंकि जिंदगी मजे से जिया है, इस तरह से जिया है कि मरने के समय कोई दुख नहीं होगा। यही हमारा आज का मैसेज था। अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, लोगों के पास पहुंचाइएगा। नमस्कार दोस्तों।